बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। यहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और हमें भी दुआ में याद रखें। जैसे कि रहमतों और बरकतों का महीना जारी और सारी है, तो अल्लाह पाक ने रहमत बरसा कर मज़ीद माहौल को खुशगवार कर दिया है और बहुत ही मौसम अच्छा हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त हो गया रोज़ादारों के लिए। तो भीनी भीनी हवा भी चल रही है, साथ बारिश भी हो रही है और मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। साथ सरफ़तारी का इंतज़ाम भी हो रहा है। तो हमारे शहर में बादल आए हुए हैं और बरस रहे हैं, तो क्यों सोचा कि ना अपने शहर का, अपने घर का व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करें और यहाँ का मौसम कैसा है। हाँ जी, साथ बन रहे पकौड़े और चिप्स बन रहे इफ्तारी के लिए। तो किचन में थोड़ा सा कलर रह गया, उसको कलर किया था, तो फिर मैंने चूल्हे को नीचे उतार के रख लिया, तो यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं। और अरसलान मुझे तंग कर रहा था, तो इसको मैंने साइकिल के ऊपर उठा दिया अपने पास, तो बार बार चूल्हे की तरफ आ रहा था, मैं क्या गर्म ऑयल को हाथ में लगा लें, इसी वजह से फिर इसको मैंने अपने पास से उतार लिया। और मुझे भी साथ साथ बातें सुना के महसूस कर रहा है, बातें भी इसको पूरी तरह आती नहीं, लेकिन इशारे काफ़ी हद तक समझा देता है। ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें भी करता है, अभी पूरी तरह नहीं आते, जुमले नहीं कहने आते, लफ्ज़ अदा करता है। हाँ जी, तो अब आपको कलर भी अपना दिखाएंगे कैसे किया हमने कलर खुद ही अपने हाथों से। हाँ, ये ऑयल पेंट जो बच गया था नीचे ड्राइंग रूम में किया था, थोड़ा सा रहता है, तो ऊपर किचन में इतना उसकी दीवार बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। मैंने कहा अब खुद ही अपनी मदद आपके तहत इसको कर लिया जाए, अब थोड़े से कलर के लिए किसी को क्या बुलाना। पहले जेन में ये बात रही ना कि पहले जो कलर करने वाले आए थे उनसे करवा लेते, तो इसलिए फिर सारी चीज़ें उतार कर मैंने नीचे रखी। तो अब कलर भी खुद ही किया है, तो सोचा अपने व्यूवर्स के साथ भी इसको शेयर किया जाए। हाँ जी, तो घर के छोटे छोटे बहुत से काम जो खुद करने पड़ते हैं, कुछ सिंक का स्विच हो गया, पंखे का स्विच हो गया, ऐसे छोटे छोटे काम आने भी चाहिए और तो करने भी चाहिए। हाँ जी, तो कलर वगैरह भी कर लेते हैं, काम तो कोई भी नहीं मुश्किल होता अगर करना चाहे तो इंसान। हाँ जी, ये दीवारें बहुत ज़्यादा रफ़ हुई हुई थी, तो ऑयल पेंट हो जाए तो फिर गीले कपड़े के साथ बाद में आसानी से साफ़ हो जाती हैं। तो ये कलर था, मैंने कहा इसके ऊपर थोड़ा सा कर लूँ। और एक पेंट रात को मैंने किया था, एक कोट रात को किया था, तो खुश हो गया था, फिर इस वर्ड कर एक कोट और किया। हाँ जी, तो कलर हो चुका तकरीबन कमल कंप्लीट और सूख भी चुका है, तो चीज़ें बर्तन वगैरह भी अच्छी तरह से मैंने सारे धो लिए हैं, तो अब इनको शिफ्ट कर दिया, इनकी जगह पे रख दिया है। तो आप लोग भी देख लें, आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग बताना कि कलर मैंने कैसा किया, कैसा हुआ मुझसे कलर। तो खुद आप मैंने खुद ही किया इसे, तो काफ़ी हद तक नीट भी हो चुकी है पीछे वाली दीवार जो थी किचन की। हाँ जी, ये है हमारे किचन। जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं उसको फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें और कमेंट लाजमी किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हाँ जी, वीडियो को पसंद आए तो अपने फ्रेंड से, दोस्तों से लाजमी शेयर करना। हाँ जी, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।